नमस्कार और आदाब। आज शनिचर है, सितंबर के 29 तारीख 29 सितंबर के लिए 7 दिन की खबरें हम आपके लिए पेश करेंगे। पिछले शनिचर को मीडिया के जरिए और फेसबुक एफबी पर भी खबरें बाहर लाया गया है कि प्रेसिडेंट देसी बौद्ध से अचानक कुबा चले गए हैं। जो ऑपरेशन अभी हाल ही में उन्होंने किए हैं, इलाज इनका कुबा में हुआ है, इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस आए हैं और इन्हें कुबा जाना ज़रूरी था। ये सुरीनाम हेराल्ड के एक खबर में जो बाहर लाया गया है कि प्रेसिडेंट कुबा गए हैं, लेकिन उसके कुछ ही समय बाद नेशनल इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूट ने ये बताया है कि ये बिल्कुल गलत बात है, ये सच नहीं है। और ऐसा भी साबित हुआ एतवार को जब प्रेसिडेंट को दिखाई दिया है, वो मिनिस्टर फॉलक्स रिपब्लिक शीना जो बर्तलांस साकन का मिनिस्टर है, वांग यी के साथ इनका मुलाकात हुआ है, इनके बातचीत हुआ है और ये बिलीव सेट मीटिंग का जो बिल्ट मटेरियल था और बातचीत जो हुआ है ये बाहर लाया गया है। इससे ये साबित हुआ है कि प्रेसिडेंट कुबा नहीं गए। वैसे ये बताने की बात ज़रूर है, प्रेसिडेंट ने कहा है कि वो अपना जो ऑफिशियल बसुक था सर्फिया तुर्किया और रुसलान के वास्ते सात बसुक पर प्रेसिडेंट जाने वाले थे, वो टाल दिए हैं कुछ दिनों के वास्ते। ये इसलिए क्योंकि वो इस वक्त तैयारियां कर रहे हैं यारईद के वास्ते। प्रेसिडेंट यारईद के तैयारियां कर रहे हैं और इसके अलावा इनके डॉक्टर जो है ये इनको राय दिए है आने वाले दिनों में सफ़र पर नहीं जाने को। प्रेसिडेंट ये बताई है कि जो अलखमीन फरखादरिंग फरीरह दनाथिस फेएन का जो है, इसमें सुरीनाम की तरफ से बर्तलांस साकन का मिनिस्टर इल्दिस पुलाक बीगले हिस्सा लेने वाले हैं। बहुत से इस वक्त तैयारियां कर रहे हैं यारईद के वास्ते। सुरीनाम हेराल्ड जो ये खबर बाहर लाई है, ये प्रेसिडेंट देसी बौद्ध का वकील इनसे गुजारिश किए थे, इनको कहा गया था कि ये मामला जो है, ये खबर जो बाहर लाया गया है, इसे सुधारना चाहिए और माफ़ी मांगना चाहिए। ऐसा भी हो चुका है और सुरीनाम हेराल्ड ने माफ़ी मांगने के बाद ये कहे है कि इसका कोई इरादा नहीं था किसी को हानि या दुख पहुँचाने के वास्ते। प्रेसिडेंट एक बुतनखवोन फरखादरिंग में डीएनआ में ये जो यारईद है अक्टूबर के पहली तारीख को डीएनआ में वो पेश करने वाले है। वैसे यारईद पेशतर कहा गया था बीते हुए सुख यानी कल 28 तारीख 28 सितंबर को प्रेसिडेंट पेश करता डीएनआ में, लेकिन ये टाल दिया गया है। ये सुनने में आया है कि पूरा तौर से अभी तक यारईद तैयार नहीं था। ये यारईद जो है आने वाली सोमवार अक्टूबर के पहली तारीख को प्रेसिडेंट पेश करेगा डीएनआ में। वैसे ये बताने के बाद ज़रूर है कि ख्रंतवेत के मुताबिक सरकार को मौका है अक्टूबर के पहली तारीख तक ये यारईद है अगला दिन तैयार के वास्ते यह पेश करने को, बखरोतिन भी पेश करने को डीएनआ में। और ऐसा होगा, ये सभा जो है लगाया जाएगा आने वाले सोमवार को। वैसे रसेस पीरियड के बाद, छुट्टियों के बाद डीएनआ मंगल को एक सभा लगा चुके हैं। डीएनआ में ये सभा लगाया गया है और इस सभा में एनडीपी का नया पार्लियामेंटेरियन इफान माबो इसका एडिंग हुआ है। यह अब भी मेंबर है डीएनआ यानी पंचघर का मेंबर है। डीएनआ में जो एनडीपी का फ्रक्सी, इसमें 42.4% औरतें बैठक लेते हैं। ये 11वीं स्त्री है, 11वीं औरत है 26 लेदन में से एनडीपी फ्रक्सी का। ऐसा जारी होना चाहिए, ये एनडीपी का फ्रक्सी लेदर अंद्रे मिसी कबा का कहना है कि और औरतों को बैठक लेना चाहिए डीएनआ में। 51 में से 16 यानी 81 तक में से 16 लोग जो डीएनआ का मेंबर है, ये सब एक स्त्री यानी एक औरत है। असेंबली का फोर्सेटर यानिफर हेरलिंग सिमोंस ने माबो को पार्लियामेंट में इस्तकबाल किए, इन्हें स्वागत किए हैं और ये बताने के बाद ज़रूर है कि माबो जो है फ्रेडरिक फिनीसी के जगह पर आए हैं। फ्रेडरिक फिनीसी अभी कुछ दिन पहले ये अपना पदवी डीएनआ में छोड़ दिए है, देसी बनने को, डिस्ट्रिक्ट कमिसारस बनने को अपना डिस्ट्रिक्ट ब्रोको पोंदो में।
सभी फ्रैक्सिस जो दयाना में है सभी माँ बो को इस्तकबाल किए ने स्वागत किए हैं और माँ बो ये वादा किए हैं कि वो पूरी तौर से मेहनत करेगा अपना काम, वो पूरी तौर से इसमें वो मेहनत करेगा अपना काम करने के लिए, ख़ासतौर पर बच्चों जो है ब्रोकोपोंडो का, इन लोगों के लिए वो आवाज़ उठाएगा और बाकी जो बेनलॉन्ग के बच्चे हैं इन लोगों के लिए वो काम करेगा और अपना आवाज़ उठाएगा। पढ़ाई करने का मौका हर एक को मिलना चाहिए, ख़ासतौर पर बेनलॉन्ग के बच्चों को। बाबो जो है 26 साल से ये ऑंडरवेस में काम करते हैं, ये ऑंडरवेस फेल्ट से आते हैं और ये ऑंडरवेस के अलावा भी समाज का काम अपना डिस्ट्रिक्ट अपना इलाका में करते हैं, सामाजिक काम वो सालों से करते हैं। बाबो ये कहे हैं कि उन्हें पता है कि ये काम आसान नहीं है, काफ़ी काम उन्हें करना है, लेकिन ये इनके लिए एक चैलेंज है और वो एक्सेप्ट करते हैं इसे, वो स्वीकार करते हैं और पूरा मेहनत वो करेगा अपना काम करने के वास्ते, अपना काम वो करेगा। और भी ये कहे हैं कि ऑन द नेम अशखाब के लिए भी वो अपना आवाज़ उठाएंगे ऑन द नेम अश के वास्ते। Bond van leraren en alliantie van leerkrachten in Suriname, BVL en als, is op eiland ki hai ki somwar ko school nahi shuru hoga. Iska matlab ye hai ki ye leerkrachten jo bharti hai BVL aur als mein, ye sab somwar october ki pehli tarikh ko school par nahi jayenge bachcho ko padhane ke waste. BVL aur als ye sab sabhi leerkrachten ko pukar kiye hai somwar ko 8 baje hazri dene ko theater unit mein. इन लोगों का ये कहना है कि ये सब मिनिस्टर जो ऑंडरवेस का है, वेतनस्काप एंड कल्चर का, लिलियन फेरिये के साथ बातचीत नहीं कर सकते हैं, ये इन लोगों के साथ बात नहीं करती है। मिनिस्टर से लोग बात करना चाहते हैं लेकिन मिनिस्टर इन लोगों से बात नहीं करते हैं। वैसे ये सिर्फ बाकनातोरी में जाते हैं जो एक प्रोग्राम है SRS पर। फालिस का ये कहना है कि मिनिस्टर सिर्फ बाकनातोरी पर जाते हैं और वहाँ पर लेरप्रख्तन को गाली देते हैं। फालिस कहते हैं कि ये सब मिनिस्टर का ये जो व्यवहार है, ये जो जिस तरीक़ा से मिनिस्टर इन लोगों से पेश आते हैं, इसे स्वीकार नहीं करेंगे, इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये अक्सी जो है, ये जो हड़ताल लोग करने वाले हैं, ये सिर्फ एक दिन के लिए रहेगा, ये मिनिस्टर के हाथ में है, ये ऑंडरवेस बोंडन और फालिस का कहना है। ये ऑंडरवेस बोंडन जो है, ये सबको शिकायत है इस बात से भी शिकायत है कि ऑंडरवेस का जो डायरेक्टर है, वर्नेमन डायरेक्टर एग्जाम ब्यूरो का जॉयस सेलर, इनको पदवी से निकाला गया है। इस बात के लिए लोग भी मिनिस्टर के पास अपना शिकायत पेश किए हैं। वैसे विल्को फालिस ये कहते हैं कि जो अमतनारन को फरहोखिंग मिला है, ये लेरप्रख्तन को भी मिलना चाहिए। और भी ज़्यादा काफ़ी मुश्किलें ऑंडरवेस फेल्ट में, लेकिन इस बारे में बातचीत करना मिनिस्टर से ज़रूरी है, लेकिन मिनिस्टर इन लोगों से बात नहीं करता है, इसलिए फैसला लिया गया है अक्टूबर की पहली तारीख से हड़ताल करने को। फलीस ये भी कहे हैं कि मीडिया में ये खबर वो काफ़ी समय से वो बता चुके हैं, वक्त पर बता चुके हैं, इसलिए माँ बाप को ये पता होना चाहिए कि स्कूल का दरवाज़ा नहीं खुलेगा, लेरप्रख्तन स्कूल पर नहीं जाएंगे बच्चों को पढ़ाने के वास्ते। एक और बात उन्होंने कहा है कि लेरप्रख्तन को काफ़ी डर है, लोग डरते हैं अपना मुँह खोलने के लिए, कोई भी बात बाहर लाने के लिए रंकुना का डर है। वो इसका मतलब ये है कि लोग मितासिस इन लोगों को हो जाते हैं, जो लोग अपना मुंह खोलते हैं इन लोगों से को काम से निकाल कर दूसरे जगह पर रखा जाता है। एक हिस्सा लेरप्रख्तन जो है इन लोगों को ये फेफोंदित एसएडी का जो फरहोखिंग हर बार देरिंग के बाद लेरप्रख्तन को मिलना था, ये भी नहीं मिला है। अमतनारन को न तो फेफोंदित मिला है, लेकिन लेरप्रख्तन को ये फेफोंदित न तो नहीं मिला है, ये ब्रितो बद्राह है जो इन लोगों को मिला है। फालिस का ये भी कहना है कि सेलो तो आवाज़ नहीं उठाई है, लड़ाई बेफियाल और आउस किए है और फ़ायदा सेलो के लोगों को यानी अमतनारन को हुआ है। इस मामले के बारे में मिनिस्टर फेरिये भी बाकनातोरी जो SRS पर वो हमेशा जाते हैं ये बातचीत करने के वास्ते कहे हैं कि फालिस को फिक्ती फ़ूरन के वास्ते, मतलब जिस घंटे के लिए वो काम नहीं किए हैं, लगभग 217,000 SRD पैसा वो वसूल किए हैं जो फालिस के
कहना है ये बात बिल्कुल सच नहीं है और फालिस चाहते हैं कि मिनिस्टर फेरिये इस बात के वास्ते माफ़ी मांगे या ये वापस अपना वापस ले। अगर ऐसा नहीं होगा तो फालिस ने कहा है कि वो एक कोर्ट खदिंग चलाएगा, एक मुकदमा वो चलाएगा। फेरिये कुछ भी लेयर क्राफ्टन के बारे में कहा है, वेफ के बारे में कि लेयर क्राफ्टन अपना पैसा जो कमाते हैं ये सब खर्च करते हैं वेफ लगाने में, बालों में वेफ लगाने के लिए। इनका ये मानना है कि जो पैसा लेयर क्राफ्टन कमाते हैं ये सबको लगाना चाहिए, अच्छी तरह से इन्हें खर्च करना चाहिए और भी अपने पढ़ाई में लगाना चाहिए अपने आप को और आगे और ऊंचाइयों तक ले जाने के वास्ते। इस बात पर मिनिस्टर वापस आए, ये वेव का बात जो है इस पर वापस आए, इनका कहना है वो माफ़ी मांगे है और कहना है कि कोई भी इरादा नहीं था किसी के बेइज्जती करने के वास्ते, तो ये वेव के जो बातें हैं वो वापस लिए हैं। और इस मामले में अपडेट जो आए हैं कि फालिस कहते हैं कि इनके पास पूरा तौर से साबूत है कि ये 217,000 जिसके बारे में मिनिस्टर फेरिये बात करते हैं सच नहीं है और वो साबित कर सकते हैं, इसलिए वो कहते हैं कि वो मुकदमा चलाएंगे मिनिस्टर फेरिये पर। उनका वकील जो है ये पूरे तौर से तैयारियां कर चुके हैं और मुमकिन ये कोर्ट खदिंग आने वाले दिनों में इन दिन होगा। मिनिस्टर फेरिये का ये कहना है कि अगर फालिस रेख्तर यानी जज के पास जाना चाहते हैं, मुकदमा चलाना चाहते हैं, तो उन्हें पूरा आज़ादी है, ऐसा वो कर सकते हैं। मिनिस्टर का कहना है कि जो बातें वो फालिस के ये 217,000 एस आई डी के बारे में कहे हैं इसका जो मतलब है मीडिया ने कुछ और निकाले हैं, इनके कहने के बाद कुछ और था और मीडिया कुछ और मतलब निकाले हैं इसका। फेरिये मिनिस्टर जो है अंडरवेज वेतनस्काप एंड कल्चर का ये कहे हैं कि फकबोन्स लेदर विलखो फालिस जो है इनको कोई हक नहीं है तय करने के लिए कि स्कूल शुरू होगा अक्टूबर की पहली तारीख को या नहीं, यह सिर्फ मिनिस्ट्री फॉर अंडरवेज और सरकार तय कर सकते हैं। और मिनिस्टर ने कहा है कि अक्टूबर की पहली तारीख इन अक्टूबर छुट्टियों के बाद स्कूल फिर शुरू होगा। अगर अंडरवेज खैफंदन जो है लेयर क्राफ्टन जो है स्कूल पर नहीं जाएंगे बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो इन लोगों पर कदम उठाया जाएगा और मात्र इखलन लिया जाएगा इन लोगों के खिलाफ। तो इन लोगों पर इस पर गौर करना चाहिए, मुमकिन है एक नो वर्क नो पे इन लोगों पर लागू रहेगा। वैसे स्कूल रेगुलमेंट के मुताबिक अक्टूबर की पहली तारीख स्कूल फिर से शुरू होना चाहिए, स्कूल शुरू होना यह बहुत ज़रूरी है। मिनिस्टर फेरिये ये कहते हैं कि वो उम्मीद करते हैं कि लेयर क्राफ्टन जो है ये सब अपना जिम्मेवारी समझेंगे और ये सब अंडरवेज का अहमियत समझेंगे, स्कूल पर जाएंगे बच्चों को पढ़ाने के वास्ते। जो बेफेल और अस एडुकासी तुलाह के बारे में परमानेंट एडुकासी तुलाह के बारे में बातचीत करते हैं, ये जोरती किया गया है लेयर क्राफ्टन के सलारस में इनकॉर्पोरेट हो चुका है। और जो टीवी का के बात लोग करते हैं तो फेरिये का कहना है कि ये 70 मिलियन टीवी का जो लेयर क्राफ्टन चाहते हैं ये पैसा भी कहीं से आना चाहिए, यह पैसा इस वक्त नहीं है, इसलिए पैसा इन लोगों को नहीं भरा गया है। और जो 25% का फरहोखिंग जैसे अमतनारन को मिला है लेयर क्राफ्टन चाहते हैं, फेरिये का कहना है कि लेयर क्राफ्टन को एक खुद का बलोनिंग स्ट्रक्चर है ये हर बार देने के बाद, तो ये 25% पर इन लोगों का कोई हक नहीं है। वैसे फिस प्रेसिडेंट अश्विन अधीन को एक खत लिखा गया है बेफियल और आउस के जरिए, क्योंकि इन लोगों का कहना है कि ये सब मिनिस्टर से बातचीत नहीं कर पाते हैं, तो मिन लोग फिस प्रेसिडेंट से बातचीत करना चाहा, फिस प्रेसिडेंट बेशतर इन लोगों को वापस मिनिस्टर के पास भेजे थे बातचीत करने के लिए। इस मामले में ये अपडेट है कि फिस प्रेसिडेंट ने कहा है कि वो तैयार है अक्टूबर के 2 अक्टूबर को लेयर क्राफ्टन से बातचीत करने के लिए, लेकिन बगैर किसी धमकी या बगैर किसी दबाव में आने से। ये मामला नहीं होना चाहिए कि लेयर क्राफ्टन ये कहेंगे कि अक्टूबर की पहली तारीख लोग स्कूल से शुरुआत नहीं करेंगे, वो बातचीत करना चाहते हैं अक्टूबर के 2 तारीख लेयर क्राफ्टन से ये मामला सुलझाने के वास्ते।
Timothy Corande, ke 18 saal ka Bromfitzer, iska dehant hua hai. Ye hadsa Sandray par hua hai. Police Sandray ka jab wahan par pahunche hai, to ghayal avastha par Kennedy Weg par ye Bromfitzer ko paaye hai. Ye buri tarah se ghayal hue hai. Ye Centrum Richting Paramaribo se Sandray ke taraf ja raha tha, Vitsanti ke taraf ja raha tha. Jo Luchthafen ka crossing hai, wahan par mumkin control kho diye hai aur jaakar ek ईटे का बेतोन मस्त जो है इससे टकराया, इनका सर इससे टकराया है। ये बुरी तरह से घायल हुए थे, इनको लोग खुद ऐसे दोहलप ले गए हैं एम्बुलेंस के साथ, अकादमी सिकन हाउस परमारी वो लोग लाए हैं और कुछ देर बाद इनके देहांत हो गया है। तिमती ये कोरंदे का 18 साल का ये ब्रॉमफिट्सर, ये हेलम फल हेलम नहीं पहरे हुए थे और इनका लाश ऑब्डक्सी के लिए पुलिस ओएम से बातचीत करने के बाद कब्जे में लिए थे। खोजबीन हो चुका है, पिछले हफ्ता ये आर रेडिंग हुआ था। ये लाश जो है परिवार को दिया गया है और इसका अंत्येष्टि क्रिया भी हो चुका है। तिमती कोरंदे के देहांत हो जाने से फर्केश बारोमीटर जो है 85 तक पर आकर पहुंच गए हैं, 51 पर आकर पहुंच चुके हैं। पुराना असेंबली का लीड जो है, असेंबली का मेंबर जो है फ्रेडरिक फिनिसी एनडीपी का पार्लियामेंटारियर, प्लानिंग के मुताबिक अक्टूबर के 20 तारीख 20 अक्टूबर को ये बेद होगा, ये नया डीसी बनेगा, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर्स बनेगा इलाका ब्रोकोपोंडो का। डीएनआ में मंगर को इनका प्रत्येकनोट इफाना माबो बेद हुआ है जो फिनिसी के जगह पर आए है। फिनिसी का बेडहिंग ब्राउन्सवेग पर होगा जहाँ पर इसका पैदाइश हुआ है, इनका खबोरत दौरब जो है। और फिनिसी कहते हैं कि नया काम के लिए, देसी के काम के लिए वो पूरी तौर से तैयार है। सरे 3 महीने तक वो स्टाश चले हैं अनेक कमिसारियातन पर, परमारिबो नॉर्थ ओस्ट पर, कोमवेन, वानिका और इलाका ब्रोकोपोंडो में, और वो कहते हैं कि इस काम के लिए वो पूरी तौर से तैयार है काम करने के वास्ते। ये ज़रूर इनके लिए एक चैलेंज है क्योंकि ब्रोकोपोंडो को वो और ऊंचाइयों तक ले जाना चाहते हैं, ब्रोकोपोंडो में वो तरक्की लाना चाहते हैं और वो उम्मीद करते हैं या उन्हें यकीन है कि ऐसा वो कर पाएगा वहाँ के तमाम कार्यकर्ता यानी मजदूर के साथ और ब्रोकोपोंडो के जनता के साथ। ख़ास तौर पर आने वाले साल ये इनके लिए ख़ास अहम रहेगा 2020 के फर्किसिंग के सिलसिले में, क्योंकि 2020 के फर्किसिंग का तैयारियां जो है ये आने वाले साल से शुरू होगा। वो सोचते हैं जैसे इनका डिस्ट्रिक्ट का पार्लियामेंटारी डियाना पोकी ने इनके जाने के बाद डियाना में कहे हैं कि वो ब्रोकोपोंडो को बिगी पोंडो बनाएगा, वो यहाँ पर तरक्की ज़रूर लाएगा। पोकी भी ब्रोकोपोंडो का पार्लियामेंटारी इस वक्त है डियाना में। असेंबली का लिट जो है पंचघर का नेता फेहा पेगा रियाद नूर मोहम्मद, इनका ये कहना है कि लेर क्राफ्टन जो 25% फरहोखिंग का मांग करते हैं इस पर इन लोगों का कोई हक नहीं है। अंदरवेज बोंदर बेफियल और आल्स जो है ये सब का कहना है कि अगर ब्यूरो अमतनारन को यानी अमतनारन को ये मिलेगा फरहोखिंग तो इन लोगों को भी मिलना चाहिए, इस पे इन लोगों का भी हक है, लेकिन ये बिल्कुल सही नहीं है। नूर मोहम्मद जो लेते फर्स्ट पार्लियामेंटेर कमेटी का अंदरवेज वेतनस्काप एंड कुल्प्यूर का पार्लियामेंट यानी पंचघर में, ये कहते हैं कि हर बार देरिंग के बाद लेर प्राथन को एक अलग सा बजोल दिंग्स रेक्स मिला है, एक अलग सा बजोल दिंग्स रेखलिंग इन लोगों को है, इसलिए जो अमतनारन को मिलता है इन लोगों को नहीं मिलेगा। ये जो दोनों सलारसन है यानी तनख्वाह लेर क्राफ्टन और अमतनारन का एक दूसरे से नहीं जुड़ा हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर खलेक है इस बखिनसल का कोई बात नहीं है। वैसे यूनिवर्सिटेट का जो दोजेंतन है और रियाद नूर मोहम्मद ये भी यूनिवर्सिटेट का दोसेंट है, ये वहाँ पर पढ़ाते हैं। यूनिवर्सिटेट का जो अमतनारन जो सलारस है या अमतनार सलारस से कॉपलिंग है, ये जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये है कि यूनिवर्सिटेट के दोसेंटन को ये फरहोखिंग 50% का ये मिलेगा, लेकिन जो बेफियल और आल्स का लेयर क्राफ्टन है इन लोगों का एक अलग सा बजोल्डिंग्स रेखलिंग है, तो इन लोगों को नहीं मिलेगा। वैसे नूर मोहम्मद ये भी कहा है कि अगर लेर क्राफ्टन चाहते हैं, कोई भी कारण है, कोई भी वजह है कि इन लोगों को और पैसा मिलना चाहिए, तनख्वाह का इन लोगों को बढ़ाना चाहिए, तो इस बारे में लोगों को अलग से जाकर
मिनिस्टर से बातचीत करना चाहिए, लेकिन ये हक जो है लोग चाहते हैं कि इन लोगों को 5% जो आमदन आरन को मिला है ये इन लोगों को नहीं मिलेगा. मिनिस्टरी फॉर सोशल सागन इन फॉलक्स हाउस फेस्टिंग ये ऐलान किए हैं कि 150 मिलियन एसएफडी जरूरी है बास सौरख फर्शेकरिंग का प्रेमी भरने के वास्ते. ये रकम जो है ये बखरोदिंग 2019 पर भी रखा जाएगा. 2014 में 3 सोशल वेतन खुदकर हुआ है और ये बास सौरख फर्शेकरिंग ये इसमें से एक वेत एक कानून है जो एक हिस्सा है सोशल सेकर है स्टेलसल का जिसमें ये तीन बास तीन स्वर्ग वेतन है. इसमें यह सोशल वेतन जो है ये हिस्सा है सोशल सेकर है स्टेलसल का. वैसे यह वेतन जो है नेशनल बास स्वर्ग फर्शेकरिंग का इसका लक्ष्य है कि हर एक को बास स्वर्ग मिले. सुरीनाम देश के हर एक बाशिंदा जो है इनको बास स्वर्ग मिलना चाहिए जिनका उम्र जो है 16 साल तक 0-16 यार और 60 तक प्लसर्स जो लोग 60 साल से और 60 साल से ऊपर इनका उम्र है इन लोगों का प्रेमी जो है ये सरकार भरती है. बाकी के लोग जो है इन लोगों को अपना प्रेमी खुद भरना चाहिए. अकाउंटेंट्स जो सुरीनाम देश में जो लोग अकाउंटेंट्स का काम करते हैं इन लोगों के लिए अब एक कानून आएगा. इस बारे में बातचीत हो चुका है बीते हुए बीफे का ये अंतर्वर्ग वेत के बारे में लोग बातचीत जारी किए हैं. सुरीनाम का जितना अकाउंटेंट्स है और जो अकाउंटेंट का काम करते हैं इन लोगों को चाहिए ये फरप्लिख्त है इन लोगों को मेंबर बनना चाहिए एक इंस्टीट्यूट फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का जो हाल ही में कायम होगा अभी तक कायम नहीं हुआ है. लोग और दलिंग लाना चाहते हैं लोग चाहते हैं कि क्वालिटी जो है अकाउंटेंट के काम का ये और बेहतर हो और कोई बेकानूनी काम लोग नहीं करें. इसलिए ये ज़रूरी है लोग सही तौर पर अपना काम करें कि हर एक को मेंबर बनना चाहिए और ये कानूनन तय होगा. इसके लिए वेट्स ऑन ट्वेरप के बारे में इस वक्त असेंबली में लोग बातचीत करते हैं. मिनिस्टर हंडल इंडस्ट्री एंड टूरिज्म का स्टेफन संग इस बारे में खुलासा लाई है डीएनआ में बीते हुए बीफे को जब यह अंतर्वर्ग वेब का बहंदलिंग जारी हुआ है. रेगल्स जो है अकाउंटेंट्स के काम का ये तमाम इस वेब में लिया गया है और इसके आधार पर अकाउंटेंट्स को काम करना चाहिए. अगर लोग ऐसा नहीं करेगा तो तुख रेख्त इन लोगों पर लागू रहेगा इन लोगों को सजा मिल सकता है. जो कोई अकाउंटेंट बनेगा इन लोगों को ज़रूरी नहीं है जाकर रजिस्टर करवाने के लिए. आप खुद अपने आप रजिस्टर हो जाएंगे जब भी आप अकाउंटेंट बनेंगे तो कानूनन आप रजिस्टर हो जाएंगे और ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव काम है ये भी हो जाएगा. आपको चॉइस इसमें नहीं है कि आप खुद तय कर सकते हैं आप इस इंस्टीट्यूट का लीड बनना चाहते हैं या नहीं. ये इंस्टीट्यूट फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का लेट मेंबर आप बनना चाहते या नहीं इसमें आपको कोई चॉइस नहीं है. अगर आप अकाउंटेंट का काम करेंगे तो आपको लेट बनना ये चाहिए ये ज़रूरी है. ये जो अंतर्वर्ग वेत है अक्टूबर के 2 तारीख 2 अक्टूबर को एक ओपन बार प्लेनेरा फरखादरी में जारी होगा ये बहंदलिंग इसका जारी होगा. एक आखिरी खबर हम आपको बताना चाहते हैं एक फॉलक्स प्रोटेस्ट जो था कल सुख को इसके लिए लोगों को बुलावा दी गई थी लेकिन बहुत मायूस लोग हुए हैं क्योंकि ऑपकॉम्स जो था लगभग 50 से लेकर 60 लोग 50-60 लोग इसमें हिस्सा लिए हैं और ज़्यादा लोग नहीं था. ख़ासतौर पर औरतों इसमें हिस्सा लिए हैं और औरतों को भी पुकार की गई थी इस फॉलक्स प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने के लिए. वहां पर एक मौजूद स्त्री ने यह सवाल किए हैं क्या बाकी की जो औरतें इसमें हिस्सा नहीं लिए हैं जो नहीं आए थे इस प्रोटेस्ट के वास्ते क्या ये सब के मुश्किलात नहीं है ये देश का जो समस्या है इन लोगों के लिए कोई मुश्किलात पैदा नहीं करता है यह सवाल भी किया गया है. सियोमारा कदोंगन जिसके निर्देशन में जो इनिशिएटिव नेमर था इस प्रोटेस्ट का कहते हैं कि कम लोग आए हैं लेकिन तो भी वो खुश है कि कोई इनके बात सुनकर इस प्रोटेस्ट में आए हैं हिस्सा लेने के वास्ते. लेकिन ये फॉलक्स प्रोटेस्ट जो कल हुआ है इसमें काफ़ी कम लोग आए थे हिस्सा लेने के वास्ते. कहा जा सकता है कि ये सब कामयाब नहीं हुए हैं और बहुत से लोग मायूस थे कि इतना कम लोग इन लोगों के पुकार पर गौर किए हैं. ये आखिरी खबर आज साथी में. शुक्रिया नमस्कार और खुदा हाफिज़.